बनाने से वीडियो कुछ नहीं होता, जो आप सोचते हो कि वीडियो बनाने से मैं फेमस करेंगे सर, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, फ्रेश बुकिंग इस पे पॉसिबल ही नहीं है। स्पाइस जेड का टिकट लिया हुआ था फरमानी नाज ने, ये रे टिकट, ये स्पाइस जेड के सबसे थर्ड क्वालिटी स्पाइस जेड है, जो टाइम भी नहीं बता पाता, एक घंटे अपना आप ही कम कर दे, बत्ती कर दे। तो दोस्तों आगे से स्पाइस जेड पे बिल्कुल भी विश्वास न करें, स्पाइस जेड पे कभी भी अपना ये ना रखें निर्णय के हमें इस फ्लाइट ध्यान रखें। स्पाइस जेड के देखो कैसे बैठे रहे, आज प्रोग्राम था कोलकाता में भोले बाबा जी का, बहुत बड़े वाला बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इन्होंने बहुत गलत करा और हमारा प्रोग्राम छूट गया क्योंकि स्पाइस जेड छूट गई। दोस्तों एयरपोर्ट पकड़े हवाई जहाज, यही से हवाई जहाज कहाँ झूठ बोल रही है, उड़ान भर रहा उड़ जाते हम, लेकिन क्या करें दोस्तों, बहुत बुरा हुआ है। वीडियो कुछ नहीं होता, जो आप सोचते हो कि वीडियो बनाने से मैं फेमस करेंगे सर, इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, फ्रेश बुकिंग इस पे पॉसिबल ही नहीं है। आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, जब 7 बजे की फ्लाइट थी तो वो 6:45 निकली, उसके लिए बताया क्यों नहीं गया, 6:45 लेट, उसके हिसाब जो फ्लाइट डिपार्चर उसी के हिसाब से फ्लाइट निकली। इसमें टाइमिंग लिखा, इसमें टाइमिंग लिखा, इसमें टाइमिंग कहाँ लिखा है, टिकट होगी ना उस पर टाइमिंग लिखी है, ये बोर्डिंग पास है, ये बोर्डिंग पास है, कहाँ टाइमिंग लिख रहा है, ये आपको स्टॉप के जब दिया ना बोर्डिंग गेट पे, जब भी बनाइए आप ही बना लीजिए, आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बोल तो डाल ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं डालने से। हाँ, तो इसका क्या होगा, इसका आपने ये स्पाइस जेट इतनी सुविधा दे रहे हैं क्या, कि ये झूठ बोल बोल के टिकट कर लेते हैं, फिर वह करते हैं उस चीज को झूठ, जब 6:45 इतने झूठ बोल रहे हो यार, 7 बजे तो वहाँ से आ रही, वापस भी नहीं आ सकते, यहाँ तक वीडियो है आपके स्टाफ की, उसकी वीडियो बना के लाए हैं, जो स्टाफ आपको ये कह रहा है वहाँ पे 6:45 के वहाँ के बोले के टिकट, वहाँ 7 बजे 6 बजे वहाँ पहुँचे हैं। वीडियो बनाने से सोल्यूशन तो नहीं होगा ना सर, वो जो मैडम सोल्यूशन क्यों नहीं होगा, झूठ क्या बोल रहे हैं, 7 बजे आए, अभी क्या टाइम हो रहा है, हम 6 बजे का हमारा इवेंट है, 10 बजे की आप फ्लाइट बता रहे हो, अब ये सर कह रहे कि मेरी फ्री में, तो फ्री में कैसे हो जाएगा ये बताओ ना, अब सर मैडम कैसे नहीं होगा, फॉल्ट इसमें हमारा है, हम ऑलरेडी हमने सर इन्फॉर्म कर रखा है वहाँ पर, टाइम तो आपके टिकट में मेंशन, आपने जो परचेज किया तब आपको पता होगा ना सर, टिकट तो पर टाइम मेंशन है 7 बजे, 7 बजे का मेंशन है, 6:10 में हम आपके उधर पहुँच गए थे, और आपकी जो स्टाफ है उसने कहा है 5:45 पे यहाँ से फ्लाइट निकल गई, उसकी वीडियो है हमारे पास, इस चीज का प्रूफ है कि एक चीज का हमारे पास, सुनिए सर, सर हमारा ट्रीटमेंट कराइए बहुत जल्दी करके सर, अगर आप हमारा इवेंट है सर शाम का, हमारा शाम का इवेंट है, हम बहुत जरूरी जाना है सर, सुनिए सर, अभी जो फ्लाइट जो चली गई थी उसमें तो सर आपको ऑलरेडी स्टाफ ने गाइड कर ही दिया, लड़ने से बहस करने से उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन दूसरा टिकट करके दो, हमारा आप लेट आए हो, लेट पहुंचे हो तभी हुआ, नहीं पहुंचे लेट यार, टाइमिंग पे पहुंचे, आपका स्टाफ बैठा हुआ था उनसे पूछ लेना, आपके स्टाफ के ही ये शब्द है सर, 5:45 पे आपकी फ्लाइट जा चुकी है यहाँ से, आपने आप कह रहे हो ना कि आपने वीडियो बना रखी है वो स्टाफ का भी, ठीक है आप उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट इशू कर दीजिए, आपको आपका पूरा फुल राइट है सर, आपका ये आपका ये क्या कंप्लेन करते रहो और अपने पैसे फूंकते रहो, हाँ भाई साहब टिकट परचेज कर, आपका यही है कि आप आओ परेशान हो, टिकट दूसरी कर लो, कंप्लेन डाल लो, हमारी वीडियो बना लो, कुछ ही कर लो, बस आपका यही काम है, उसे कंप्लेन करने के बाद में आप क्या दोगे, मैं आप क्या दोगे, हमारी गलती क्या है, मनीष भाई क्या दिया उन्होंने रिफंड में, देखो कैंसिलेशन में लिख के देते हो कितना अमाउंट होगा, मैं लिख के देती हूँ आपको, मैं लिख के दे रही हूँ ना आपको, रिफंड जितने का हमारा टिकट हो उतना मिलेगा ना, हाँ जितना आपने पेमेंट किया उतना ही मिलेगा, वो एजेंट बताएगा आपको कितना मिलेगा, एजेंट से पूछे क्या रुपये का कर रहा था, 1000 रुपये लिखवा लेंगे इसमें, वो उनको आपको देंगे फुल रिफंड प्रोसेस, दिन ने देखा दोस्तों लूट लिए भैया, दूसरी बार आया देखो, दोबारा टिकट बुक करो जब जाके आया यहाँ एयरपोर्ट पे, दोबारा मेरे तो बस ऐसा हो गया था, जाने के चांसेस बन गए थे यहाँ तक कि, अब कौन से एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 मनीष भाई कैमरे के सामने नाट के यदि दोस्त दवा का इलाज बता दे कुछ फरमान तो स्कूल में तो कभी गया नहीं, अब तो स्कूल वाला बस्ता कहाँ तक लाया, भैया स्कूल में
ब्लैक कौन सी थॉट प्रोसेस पे है ये तो फ्रॉड वाली ये तो आदमी छोड़ के ले जाना इंडिगो हाल के लोग तो देखिए माय ट्रिप कितना जहाज है अच्छा बन जाएगा वो जहाज में तो दे नाम रख के वो कहा था गाना कौन सा था हरियाणवी का है हरियाणा का जहाज में तू बैठ ले राम रट के हरमान तो चक्कर लगा रहा उधर फैन ही अपने अब उड़ेंगे मैंने पूछा इंतजार करो बहुत कुछ खतरनाक लेके आ रहे सॉन्ग आ रहा नाम नहीं बताते नहीं फिर कुछ लोग चोरी कर ले नाम की भी तो दोस्तों इस बार बताएंगे नहीं क्या नाम लेकर आ रहे पर लेके जबरदस्त आ रहे हैं भाई मनीष का म्यूजिक है मिक्सिंग जो है कौन से कर रहे हैं अपनी मिक्सिंग चंदर डी चंदू जी मिक्सिंग कर रहे हैं जो सॉन्ग हमारा जा चुका है और जल्दी आने वाला है उड़ान भरने वाला है दुआ करो सही सलामत पहुंचे और अपने घर आओ जहाज नीचे थोड़ा थोड़ा मुझे चक्कर से भी आ रहे डर से भी लग रहा तो मैं फिर भी तुम्हें शहर दिखा दूँ पटना शहर देखो यहाँ को दिखाओ देखो कितना सुंदर शहर है पटना ही है हाँ वो उधर क्या दिखा रहा है कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ रही है नहीं सारा है सारा उतर गया अब तो नीचे देखो सड़क पर आ गया।